Hi guys, welcome once again. Myself Sonu Singh Saini, in short Mr. Triple S. और last video मैंने आपके सामने डाला था आप लोगों के लिए, सिर्फ उसमें आप लोगों का support मैंने मांगा था कि आप मेरे channel को subscribe कीजिएगा और like कीजिएगा. आप लोगों की तरफ से मुझे support मिला, उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा सभी लोगों का. और welcome back. एक topic पे बात करने के लिए आज मैं और मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी और एक business partner भी आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के कि आज उस टॉपिक को हर इंसान की नीड है. और कहा जाए तो हम बात करने जा रहे हैं कि यूथ के ऊपर. सर, यूथ, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं यूथ के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो यूथ की सोच को मैं बदलना चाहता हूँ और यूथ की सोच में हम बदलाव लाना चाहते हैं. आज के टाइम में देखिए कि हर इंसान जो भी अपने आप को नहीं देख रहा है, अपनी इंटरनल पावर को नहीं समझ पा रहे हैं लोग, लेकिन लोग दूसरों को स्टार बनाने में लगे हुए हैं. उनको ये नहीं पता है कि उनके खुद के अंदर कितना बड़ा स्टार छुपा हुआ है. और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ा जो बदलाव लेकर के आए ना, वो लेकर के आइए टेक्नोलॉजी. पहले क्या होता था कि एक जब कोई इंसान ड्रीम देखता था तो उस पर फोकस रहता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि हर सडनली कुछ भी चेंज हो जाता है. जैसे कि कोई मूवी आई तो उस एक्टर का वो एक्टर मतलब फेमस हो गया, या उसकी मूवी हिट हो गई, तो सडनली हमारे माइंड में आता है कि यार हमें उसके तरह बनना है. और फिर दूसरी तरफ कोई क्रिकेटर होता है जैसे कि जैसे उसने जब सेंचुरीज लगाता है और कोई एक मैच जीता देता है, तो हमें हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि हमें क्रिकेटर बनना है. यानी कि आज के टाइम में यूथ को पता ही नहीं चल पा रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करना चाहिए, कौन से ड्रीम पर फोकस रहना चाहिए, कौन से पे नहीं रहना चाहिए. हर स्टूडेंट, हर यूथ ये चाहता है कि यार मैं ये भी कर लूँ और वो भी कर लूँ. तो गाइस, अगर मतलब बुजुर्ग या गुरु ने भी कहा है कि दो नाव पर चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचाएंगे, आप एक नाव को पकड़िए, एक मंजिल को चूज कीजिए, उस नाव के थ्रू वो मंजिल आपको मिलेगी ही मिलेगी. तो अपने आप को फॉलो करना सीखें. दूसरों को फॉलो करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट आपका एक अंगूठा वहां पर दिखाया जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है. अपने अंदर एक ऐसी चीज को बिल्डअप करें, एक ऐसे सोच को बिल्ड करें और एक बड़ी सोच लेकर के आए, क्योंकि आने वाला समय जो है ना, वो यूथ पर ही टिका है. ये कंट्री, ये इंडिया और पूरा भविष्य, पूरा फ्यूचर एक यूथ पर टिका है. तो अपनी सोच को बहुत अच्छी बनाएं और एक उसको डेवलप करें. तो मैं चाहता हूँ, मैं और ये मैं करने में कामयाब हो पा रहा हूँ. जैसे जैसे मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है. ये सब मेरे साथ में खड़े हुए हैं. आज से 2 साल पहले ये मेरे फ्रेंड मतलब एक राहगीरी थे, लेकिन सडनली हम लोग एक दूसरे से टकराए और फ्रेंडशिप हुई. आज के टाइम में इनकी सोच को मुझे देख देख करके और मेरी बातों को सुन करके इनकी सोच में तो बदलाव आया, तो एक बहुत अच्छी चेंज लेकर के आए. तो ये खुद बताना चाहेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में इंक्रीजमेंट किया और अपनी लाइफ को बेटर बनाया. मिस्टर तनुज मंडप से. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम तनुज मंडप है और जैसे कि अभी सोनू ने बताया कि हम अपनी सोच को कैसे बिल्ड करें, मैं आज से 2 साल पहले एक हम दोनों अनजान लोग थे, बिल्कुल अनजान थे, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे. हम एक बस स्टॉप पे मिले थे, जो हमारी 2 मिनट की कंजर्वेशन हुई थी आपस में, उसके बाद हमारे व्हाट्सएप पे बात होती थी और मिलना जुलना होता था, सब कुछ होता था. हम आज के टाइम में इतने करीबी दोस्त रह चुके हैं, रहते हैं साथ हैं कि हम हर एक चीज़ साथ में करते हैं. बिजनेस अपने हमारा काम बिजनेस है, वो हम एक साथ करते हैं. हमारी टीम बनी हुई है, वो हमारी पूरी एक साथ है. हर चीज़ हम एक साथ करते हैं, कोई वो नहीं है. बस हमने अपनी सोच को बदला कि हम अपने ड्रीम को फोकस करें ना, तो हम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं. हम आज का युद्ध क्या कर, 2 चीज को देखता है, यहाँ पे जाना, हम यहाँ पे भी जाना. जहाँ से पैसा आ रहा था हम यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी पैसा आता है, पर वो चीज़ ना करे. क्योंकि एक चीज को पकड़ो और जड़ से पकड़ लो उसको. आप ऊपर ही ऊपर पकड़ोगे तो आप ढंग से कुछ नहीं कर पाओगे, उस लेवल पे आप पहुंच नहीं पाओगे. आप उसको जड़ से पकड़ोगे ना तो धीरे धीरे, ये नहीं कहते कि आप रात भर में एकदम से ऊपर पहुंच जाओगे, ये नहीं होगा. थोड़ा टाइम लगेगा, पर उस चीज को आप करेंगे तो पक्का 101% पहुंचेंगे ऊपर. पर उसके लिए पेशेंस लेवल आपको रखना पड़ेगा. आपका पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम के यूथ में पेशेंस नहीं है. बस वो सोचते हैं कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो जल्दी से जल्दी मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊँ, या कुछ बहुत यानी कि पॉपुलर इंसान बन जाऊँ, फॉलोअर्स बन जाऊँ. आप ये खुद सोचो, एक आँख मारने वाली लड़की, उसके एक दिन लाखों फॉलोअर्स बन चुके हैं. पर अपना अगर हम यूथ आज के टाइम में अपने अंदर झांक के देखें ना, हर एक बंदे के अंदर, हर एक लड़की के अंदर एक नया टैलेंट छुपा हुआ है, और उस टैलेंट को बाहर निकाले ना तो बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत ज्यादा कुछ है. पर वो लोग समझते नहीं है कि नहीं, हम दूसरों को फॉलो करेंगे. वो दूसरों को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, बस एक
सब्सक्राइब करते हैं उसको कुछ नहीं होता आपका, पर आप अपने आप को फॉलो करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। इसलिए हमेशा मैं ये कहता हूँ, डू नॉट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करो, प्रूव मत करो। जिंदगी में इम्प्रूव करोगे तभी आप आगे कुछ सीख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहे हैं हम दोनों कि यूथ बहुत, यानी कि आजकल का यूथ जो है ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, हर चीज़ में हम आगे हैं। इंडिया, इंडियन की तो वैसे ही खासियत है कि हम हर एक चीज़ में आगे रहते हैं, तो इसी चीज़ को। सो गाइस, फोकस ऑन योर ओन ड्रीम्स। आप अपने अंदर झांकिए, अपने ड्रीम्स को पहचानिए, आपके अंदर बहुत बड़ा स्टार छुपा हुआ है। और आप दुनिया को फॉलो मत कीजिए, आपके फॉलोअर्स इसलिए नहीं है क्योंकि आप दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप को फॉलो करना सीखिए, अपने आप को पहचानिए, और आप ही बहुत कुछ हैं, आप पूरा ब्रह्मांड हैं। आप जब अपने आप को फॉलो करने लग जाएंगे, दुनिया आपको फॉलो करने लग जाएगी।